अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप सब? तो आज तो मेरी जूती वो जूती ठावल है। असल में ये मेरा जूता नज़र तो आ गया होगा, लेकिन ये ऊंचा होता है जो मैं बैठती हूँ, फिर मुझसे वीडियो थोड़ी सही नहीं बनती। तो आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ये देखें, आज ग्रेनी रेड की भी वीडियो बना दी, कितना नाइस इसका कलर लग रहा है इस टाइम। ये शाम का टाइम है तो इसकी भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है। और वो ग्रीटी की भी बन गई, वो आज जिनकी बर्थडे है उनका नाम नहीं सेम है, लेकिन उनको आज विश कर देंगे, डेडिकेट कर देंगे, विश कर देंगे। ज़ीरो साइज स्टोन, इसका साउंड बहुत अच्छा आया था। आर एम एस मारुस दिन कह रही थी उनको जो ज़ीरो साइज स्टोन का साउंड बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, ये स्लैब है ग्रे और ब्लैक टेक्सचर की, मतलब ग्रे टेक्सचर की, वाइट और ब्लैक टेक्सचर। अभी आप देखें, आपको सारी जो छत है ये उससे पाक नज़र आ रही कि तकरीबन जितनी भी शेप्स थी वो सारी उठा ली गई हैं, क्योंकि बारिश के आसार थे आज, अभी भी हो सकते हैं। तो डैम टेक्सचर, अभी किसी टेक्सचर का हिस्सा उसने टप में क्रमलिंग की थी व्लॉग में, तो ये इधर का उसमें पड़ा हुआ था। देखते हैं किसका हिस्सा है, कौन से टेक्सचर का। यहाँ से देखें, इसकी तस्वीर ले लेते हैं। चैलेंज ये होगा डैम टेक्सचर। अब थोड़ा मैं आपको अपना प्योर एशेज दिखाती हूँ, वो वाली तो दिखाई थी ना प्योर एशेज। एक और हमारी पुरानी प्योर एशेज मिली है। चैलेंज जी, पैगाम भेजा कि जो आपकी बच्चियाँ आई हैं पढ़ने के वजह। अच्छा, ये टेक्सचर है प्योर मड का लिक्विड, मतलब टेक्सचर में से लिक्विड निकाला हुआ है तो ये मड बन गई है। लेकिन इसको मड में नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी रेत लग रही है। अच्छा, मुझे याद आ गया, ये मैं उस दिन कह रही थी कि अगर कोई सॉफ्ट टेक्सचर हुआ उसके अंदर डाल लेंगे।
ये इस रेड का कलर देखिए इस टाइम कितना क्लीन आ रहा है, साफ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। शेप्स देखें। अच्छा कल के व्लॉग के कॉमेंट्स मैं पढ़ रही थी, माशाल्लाह आप लोगों ने मेरी स्टूडेंट्स की इतनी तारीफ़ की हुई है, तो इंशाल्लाह ताला कॉमेंट्स अभी लिखे नहीं हैं तो लिख के फिर शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट के साथ भी, उनको अभी बताया नहीं है, मैंने कहा था जब व्लॉग बनाएंगे तो फिर उनको बताएंगे। चलिए इसके ऊपर मैं थंबनेल लूँ। अच्छा ये जो ये प्योर एशीज है ना, ये वो है जैसे घर में कोई गत्ते शत्ते चलाए या शायद खाना बनाने के लिए, जैसे सर्दियों में गैस नहीं आ रहा होता, ये वो वाली एशीज है। अब माशाल्लाह मेरे पास दो किस्म की एशीज हो गई हैं। ये देखें कोयला अंदर, अब इसको हमने वेस्ट नहीं होने देना, इसको भी किसी काम में लाएंगे। अच्छा पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था ना तो मैं इतना ढूंढती थी मुझे कि प्योर एशेज ला दे, कहीं से ला दे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसएमआर हब है ना उनके चैनल पर उन्होंने बताया था कि मैंने किसी से ना, वो जहाँ स्कूल में पढ़ाती थी ना तो उन्होंने उससे मंगवाई थी, तो मैंने कभी किसी को कहना, इधर हमारे एक बाजी आती हैं उनसे मैंने कहना अब मुझे पैसों की ला दें कहीं से जाके, तो उन्होंने किसी देग वगैरह वाले से भी कहा तो फिर भी नहीं मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी सारी प्योर एशेज हैं मेरे पास। चलो इसको भी तोड़ लेते हैं। अच्छा जी इसमें कोयलों की जैसे उनकी खुशबू होती है ना वैसी आ रही है इसमें से, वो देखें हड्डी। इसमें थोड़ा सा वो लगता है वाइट टेक्सचर मिक्स है, ये देखें। आज मैंने वो नहीं लगाया हुआ स्टैंड, एक हाथ से क्रम्बलिंग कर रही हूँ, ये तो छोटा सा व्लॉग बनाना है बस, जल्दी जल्दी अजानें शुरू हो जानी है। साउंड अच्छा आ रहा होगा। निम्राली ये आपके लिए क्रम्बलिंग है। अच्छा आप लोगों को एक बात मेरे जहन में आई, एक मजाया बात बतानी। आज हम सुबह पार्क में गए, अच्छा पहले एक दिन हम गए ना तो वहाँ पड़ी हुई थी ईंटें, काफ़ी सारी ईंटें, तो मैंने कहा कि जब ये उठाएंगे ना तो इनसे कह देते हैं हमें ईंट दे दें, जब देंगे तो हमें चाहिए, इसके नीचे रेड डर्ट है। तो आज जब हम जब वापस आ रहे थे देखा तो वो ईंटें है ही नहीं थी उधर, और नीचे रेड डर्ट पड़ी हुई थी, इतनी सारी रेड डर्ट थी, और उधर तो मज़दूर कुछ खड़े हुए थे, उनको बच्चियों ने आवाज़ें दी कि नीचे आए, मतलब वो अपना काम छोड़ के कैसे आते, लेकिन वो आ गए, इतने अच्छे थे, मैं हैरान हो रही थी, दुनिया में अच्छे लोगों की अभी भी कमी नहीं है, इतने अच्छे थे। उन्होंने फिर हमें डाल के दी बोरी में, तो कह रहे थे कि आप हमें बता दें जब ट्राली आएगी तो हम आपको और दे देंगे और बोरी भर देंगे आपके लिए, और इतनी मैं खुश, मैंने कहा वाह। और फिर हमने उन्हें कहा कि चले
थोड़े से हमने कहा उन्हें पैसे दे देते हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की बोरी में डाली तो, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। कहते नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, बच्चियाँ कहती नहीं ले लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो पूरे रास्ते लड़कियाँ उठा के उसके लिए, बाद मेरे जहन में चलो हम एक रिक्शा ही करवा लेते, अच्छा एक रिक्शा रुका, कहता इधर रख दें तो मैं ले जाता हूँ। तो मैंने कहा